हाँ तो आगे तुम लोग आना ही था, क्योंकि आज हम करेंगे बात बहुत हार्ट गर्ल के बारे में। क्या तुमको इनके बारे में नहीं पता? अरे भाई वही जो बिना बात के वायरल हो गई थी और बिना बात के कहीं भी बहुत हार्ट करती रहती हैं। क्या अभी भी नहीं जान पाए? अच्छा रुको अभी डेमो देता हूँ। नई ऑडियंस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत हार्ट विनोद को टट्टी लग गई। बहुत हार्ट मेरा मालिक बहुत ही बड़ा चूतिया है। तो भाई सबसे पहले मैं तुमको इन मैडम का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो इन मैडम का नाम है गरिमा चौरसिया और इनके नाम को सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। अब अपनी लौड़ा लसन की कहानी तुमको फिर कभी सुनाएंगे, पहले इस लसन पे फोकस कर लेते हैं। तो ये भी टिकटॉकर है बाकी की तरह, और जैसा कि तुमको पता ही है कि टिकटॉकर और रोस्टर की कभी भी नहीं बनती, जैसे कुत्ता और बिल्ली की नहीं बनती। लगता है मैं फुलो में कुछ ज्यादा ही बह गया। बाकी तुम समझदार हो और समझ ही गए होगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था। तो भाई इनके पास गिन के तीन टैलेंट है, पहला लिपसिंग करना, दूसरा गांड हिलाना और तीसरा फिर से गांड हिलाना। अब तुम लोग कहोगे कि भाई ये तो दो ही टैलेंट हुआ, पर तूने तो तीन गिनाया, चूतिया समझ के रखा है क्या? मां चोद देंगे। इनके लिए दो टैलेंट भी ज्यादा है, लेकिन मैं सह रहा हूँ ना, तो तुम लोग भी सहो। अमेरिका का दलाल बहन चोद। तो चलो इन मैडम को देख के बहुत हार्ड करते हैं और शुरू करते हैं अपनी मजदूरी बिना किसी टैलेंट के। ऊपर वाला सलामत रखे उन आंखों को जिनमें हम कांटों की तरह चुभते। देखो मैडम, आप किसी की आंखों में चुभे या ना चुभे, लेकिन कल रात को मैं अपने एक चिड़कुट दोस्त के साथ सो रहा था और आपकी बहुत हार्ड वाली वीडियो देख रहा था। फिर अचानक से मेरे दोस्त को कुछ चुभा और वो भोंसड़ी का मुझे दो चार गाली देकर भाग गया। तो ये आपकी कांटों वाली बात है ना, वो 70% सही नहीं है। आपकी वीडियो देखकर कांटे नहीं चुभते बल्कि कुछ और चुभता है। समझ रहे हो ना लड़के? और लड़के कहां से दोबी वाली की चौथी गली मोहल्ला 555 के पीछे वाले मोहल्ले के मकान नंबर 441 के आगे वाले मकान के दाएं वाली हवेली से आया हूँ मैं। कभी आइए टाइम निकाल के, मैं आपको मुजरा दिखाऊंगा, वो भी यूट्यूब वाला। मेरे अप्पा के सामने जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखूं, okay. तुम अपना मुंडी हिलाना। ओके क्या हिलाना? लौड़ा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अगर आप लॉकडाउन में घर बैठे परेशान और बोर हो रहे हैं तो हम क्या करें? हम कौन से जन्नत में हैं? हम क्या करें? अगर तुमको वीडियो में कुछ बताना ही नहीं था तो वीडियो बनाया क्यों मादरचोद? और ये वही है ना बहुत हार्ड वाली बहन, तो इसको तो लोगों ने ऐसे इग्नोर किया है कि जैसे लोग दही में दूध और बॉलीवुड में आउटसाइडर को इग्नोर करते हैं। लेकिन इस दीदी का फोकस तो मानना पड़ेगा, ये हार बिल्कुल नहीं मानती। और जब ये हार नहीं मानती तो हम क्यों हार माने बे? इग्नोर करो भाई इसको। टैग योर सिबलिंग फ्रेंड्स। देखो मैडम, भले ही मैं शकल से गरीब दिखता हूँ पर ऐसी 5 रुपए वाला चीज मैं नहीं खाता, और अगर मेरा दोस्त ऐसी बकचोदी करता भी है तो वही पैकेट उसके गांड में डालकर उसके नाम से उधार लेकर 5 रुपए की जगह 10 रुपए का फ्रूटी पी लेता हूँ। तो मेरे दोस्त मेरे साथ ऐसी बकचोदी करने से डरते हैं। Oh my gosh, you guys are twins. We're actually not twins, we're sisters. But you guys literally talk at the exact same time. What? No, we don't. And you have the same moves. What? That's so crazy. I'm really confused right now. Why? अभी ये कौन सा फैशन है भाई जिसे मैं अनजान हूँ और अलसो मैं मादरचोद हूँ जो इसको फैशन बोल रहा हूँ? क्योंकि जंजीर को गले में पहना इज नॉट अ फैशन। ऐसे तो सलमान भाई ने भी पहना था तेरे नाम में। मींस अगर ये फैशन है तो सलमान भाई ने भी फैशन किया था। ओ तभी मैं कहूँ कि जेल के बाहर भी इन्होंने ये जंजीर क्यों पहन के रखा है। अबे यार, एक तो इस ट्रेंड ने दिमाग का भोंसड़ा करके रखा है। मतलब ये क्या होता है साला, हर कोई मेकअप के नाम पे अपने मुंह पे ये बवासीर करके ऐसी वीडियो बना रहा है। अरे भाई कल को अगर सुअर पे ट्रेंड आ जाए तो तुम उस पे भी वीडियो बनाओगे। और ये क्या बवासीर है? लगता है मैडम के पास बजट बहुत ही ज्यादा है, तभी तो बिल्ली के मेकअप की जगह इन्होंने तेंदुए वाला मेकअप कर लिया। I'm a bad bitch. Bitch, no, that's a bad switch. I'm a bad bitch. Fuck the bitch. Bitch gets like I'm a cut the bitch. I'm a bad bitch. विनोद जरा गूगल से पूछ कि ये बैड बिच का मतलब क्या होता है। ओके मालिक अभी लीजिए। हे गूगल, आई एम अ बैड बिच मीनिंग इन हिंदी। इन हिंदी दैट्स मैं एक बुरी कुतिया हूँ। ये तो खुद को गाली दे रहे हैं भाई, और लोग कहते हैं कि डॉक्टर लोग इनको गाली देते हैं। आई मिस द गर्ल यू वर। अच्छा मोहब्बत हो गई है? ओह हमसे हो गई है? अच्छा जिंदगी लेनी है हमारी? हम बुरे हैं यार, तुम नहीं मिल सकते। अच्छा बात सुनो,
पसंद बुरी नहीं तुम्हारी। नहीं नहीं, बहुत बुरी पसंद है तुम्हारी, क्योंकि सी इज अ बैड बिच और हिंदी में मैं एक बुरी कुतिया हूँ। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद कहती है अपने बारे में। सो प्लीज इनको अपनी पसंद बनाने के बारे में 10 बार सोचो, क्योंकि दिन में ये बिच होती है और रात में ये नागिन बन जाती है। सो अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि रात में नागिन बन के ये किसी भी छेद में घुसे, तो इनको अपना पसंद बनाना बंद करो। लौंडों के साथ ये हर बार होता है, जो लड़की इनकी गांड मारती है उसी से प्यार होता है। अरे ऐसा नहीं चलता हिंदुस्तान में, अपने देश में। अरे संस्कार संस्कृति कोनो चीज है, एकदम पूरा ऐसे दिखा दिया, बहुत गंदा लगता है, ऐसा नहीं दिखाना मांगता है। मगर गुप्ता मजा बहुत आया रहा। इसे कहते हैं चाचा चौधरी के चांदनी चली इंटरनेट पे ये दिखाने के चांद पे दाग है। सब बस मैडम, जहाँ तक मैंने देखा है आपकी वीडियो अच्छी है कम्पेयर टू शशि पूनम और सोफिया अंसारी, बट आप में भी कोई टैलेंट नाम की चीज झाट नहीं है डांस के अलावा, क्योंकि अगर लिपसिंग करना टैलेंट है तो बहनचोद ये हर कोई कर सकता है। कभी तुमने इस दुनिया में बिना मिलावट के लोग देखे? मेरे दोस्त हैं बिना मिलावट के, शुद्ध चूती है। इस हिसाब से मैडम आप भी शुद्ध क्रिंज हैं। देखो भाई, नो डाउट दोस्त शुद्ध चूती होते हैं, पर उनमें भी मैच्योरिटी नाम की चीज होती है जो इन मैडम में शायद नहीं है। ऐसे तो मैं भी कहूँ कि मेकअप के मिलावट के बिना आप भी अच्छी नहीं लगती, और जिस दिन आपने मेकअप लगाना बंद कर दिया उस दिन आपके 9 मिलियन फॉलोअर सिर्फ 9,000 ही रह जाएंगे, क्योंकि मेकअप लगा के ये ऐसी लगती है और बिना मेकअप के ऐसी लगती है। तौबा तौबा तौबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैडम पहले ऐसा दिखा करती थी और अब अचानक से ऐसा कैसे दिखने लगी। तो भाई प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाया है या नहीं, बट थोड़ा इनके लिप्स को देखो, क्या लगता है सर्जरी करवाया या नहीं? मैं कंफर्म नहीं हूं, बाकी तुम्हारे ऊपर है। मैडम आप बिहारी हो ना? नहीं मैम। आप बिहारी हो? नो मैम। आप बिहारी हो ना? जी नहीं। मैम बताइए ना, क्या आप एक बिहारी हो? काड़े एकदम भगलोले है, एक के बाद बोल बोल के काहे ले हमरा माथा भुकाड़ा। इज दिस रेसिज्म? आई डोंट नो, पर मैं भी बिहारी हूँ और मेरे यहाँ ऐसे तो कोई नहीं करता जैसा ये मैडम कर रही है। बट ये बात सोचने वाली है कि इनको लगता है कि हर बिहारी ऐसे ही बात करता है, तभी तो इन्होंने ऐसी वीडियो बनाई है। पर छोड़ो, अपनी अपनी मेंटालिटी की बात होती है, लगता है इनका कुछ और ही मेंटालिटी है लोगों के प्रति। बाकी ये वीडियो सिर्फ एक मजाक था, तो मजाक की तरह ही लेना। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में मुझे बताओ कि वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो की मजदूरी में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच कमिंग। बाय। विनोद 10,000 सब्सक्राइबर्स कब होंगे भाई? लगता है और ज्यादा मजदूरी करनी पड़ेगी।